हिमाचल में सीएम मंत्री सीपीएस कैबिनेट रैंक वाले सभी दो महीने तक वेतन व भत्ते नहीं लेंगे। सदन में सीएम सुक्खू का ऐलान, इन सभी के भत्ते व वेतन किया विलंबित। हिमाचल की आर्थिक स्थिति खराब, सदन में प्रस्ताव लाए सीएम सुक्खू। मंत्री सीपीएस के वेतन भत्ते दो महीने के लिए हुए विलंबित, एमएलए से भी की गई अपील। सीएम सुक्खू ने सदन में कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, इसके लिए कई कारण हैं। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो वर्ष 2023-24 में 8,058 करोड़ रुपए थी, वह इस वर्ष 1,800 करोड़ रुपए कम होकर 6,258 करोड़ रुपए हो गई है। अगले वर्ष 2025-26 में यह 3,000 करोड़ रुपए और कम होकर 3,257 करोड़ रुपए रह जाएगी। पीडीएनए की लगभग 9,042 करोड़ रुपए की राशि में से केंद्र सरकार से अभी तक कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है। एनपीएस कंट्रीब्यूशन के लगभग 9,200 करोड़ रुपए पीएफआरडीए से प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसका हम केंद्र सरकार से कई बार अनुरोध कर चुके हैं। जीएसटी कंपनसेशन जून 2022 के बाद मिलना बंद हो गया है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ रुपये की आय कम हो गई है। ओपीएस बहाल करने के कारण हमारी बोरोइंग भी लगभग 2,000 करोड़ से कम कर दी गई है। इन परिस्थितियों से पार पाना आसान नहीं है। हमने प्रदेश सरकार की आय बढ़ाने और अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कम करने का प्रयास किया है। इन प्रयासों के परिणाम आने में समय लगेगा। सीएम सुक्खू ने कहा कि मैं इस सम्माननीय सदन को यह अवगत करवाना चाहूंगा कि प्रदेश की विषम वित्तीय परिस्थिति के दृष्टिगत मैं अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों व मुख्य संसदीय सचिवों सहित अपने वेतन व भत्ते दो महीने तक विलंबित करता हूं। इसके अतिरिक्त मैं आप सभी माननीय सदस्यों से भी अपने वेतन व भत्ते स्वेच्छा से विलंबित करने का आग्रह करता हूँ। सीएम सुक्खू ने सदन में सभी माननीयों से ये आग्रह किया है।